साइनोजेनिक प्लांट, इसमें है आलमंड एंड व्हाइट चीज। नेक्स्ट है लिंसिड एंड वेलवेट ग्रास। लोटस में लोटस ट्रेलिंग या लोटस सीड, लोटस मतलब कमल। साइनोजेनिक प्लांट में वो पहला लिख सकते हो, साइनोजेनिक प्लांट में पीएम लीजन या पीएम चेंजेज, पीएम लीजन के रूप में ब्लड ब्राइट चेरी रेड होगा और वो भी अनप्लांटेड ब्राइट चेरी रेड ब्लड। इसका टेस्ट करेंगे पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोसिस करेंगे तो डिक्रेट टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट के अंदर सोडियम पेपर आता है, इसके अलावा हेनरी साइज टेस्ट, हेनरी साइज टेस्ट ट्रीटमेंट। सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वो भी 3:1 और आईवी रोड। स्मॉल एनिमल पर बात करेंगे, स्मॉल एनिमल में यही रेशियो 2.5:1 हो जाता है। Gracias.
मैंने बिहार खेल खेला है, तू क्या जाने मैं दीवाना। रोजरी पेट या स्ट्रिंग नीडल पॉइजनिंग भी कहते हैं। रोजरी पेट या कोई रोजरी पे अथवा सुई नीडल पॉइजनिंग कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट में एंटी एपरिन सीरम का यूज होता है। नेक्स्ट है रिसिनस पॉइजनिंग। इसे कैस्टर या पैमा दृष्टि पॉइजनिंग कहते हैं। हमें कितना चिल्ला था का थोड़ा सा अवैध है ना, वो खाने के बाद में खाऊंगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में एंटी रिसिन सीरम। एंटी रिसिन सीरम नेक्स्ट है लिटाना कैमरा। इसे बीच डिजीज भी कहते हैं। बीच डिजीज इसमें जो टॉक्सिन प्रिंसिपल होता है वो पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। टॉक्सिन क्या होता है? पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपाइन।
सूख जाता है। यह पॉइजनिंग एट्रोपिनेज एंजाइम पानी, यह पॉइजनिंग रैबिट में एट्रोपिनेज एंजाइम पाए जाने के कारण नहीं होता। ऐसा लिखना नो, रैबिट में एट्रोपिनेज नेक्स्ट है आइपोमिया कॉर्निया। काम दिख रहा है जा रही है? यस सर, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। अब लिख लीजिए आइपोमिया कॉर्निया। कॉर्निया जिसे हम लोग बेसन बर्न कहते हैं, इसे मॉर्निंग ग्लोरी में प्रेशर का पौधा कहते हैं। ये हिपेटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों है।
नेक्स्ट है नेरियम, साफ हो गया, आठवां है नेरियम, हिंदी में इसे कनेर कहते हैं, कनेर का पौधा। इसे फूलों की रतिया फॉलिंग भी कहते हैं। पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसमें टॉक्सिक प्रिंसिपल होता है नेरियोसाइट या ओलियंड्रोसाइट। ये टॉक्सिन होता है नेरियोसाइट अथवा ओलियंड्रोसाइट, नेरियोसाइट अथवा ओलियंड्रोसाइट। यह सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम को बनने से रोकता है। यह सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जैसे पार्थिनिया पॉइजनिंग हो जाती है। इसमें जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है वो पार्थिनिया। नेक्स्ट है मैं डॉग रमी या जिंक फॉस्फाइड पॉइजनिंग। सेकेंडरी फोटोसेंसिटाइजेशन
नेक्स्ट है स्वीट फ्लोवर पॉइजनिंग। विटामिन के का एंटागोनिस्ट है। बता देना तुम तो जब गाओ तो। यदि डाइक्यूमरॉन पॉइजन भी है तो आराम से विटामिन के का इंजेक्शन देने से ठीक हो जाएगा जानवर। गाओ तो बता देना मैं आके आऊंगा। अगर नेक्स्ट है जिरालिनो। जिरालिनो जिरालिनोइटिस सिंड्रोम तो इस तरीके से ये था टॉक्सिकोलॉजी। इसमें मेटल नॉन मेटल और प्लांट पॉइजनिंग के बारे में बात आपसे इसको नोट कर लीजिए। अब हम कीमोथेरेपी की तरफ चलते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्लासिफिकेशन देखें। स्पेक्ट्रम एक्टिविटी कार्य करने की क्रिया के आधार पर तो हम दो भागों में बांटा गया है। देखो कार्य करने की क्रिया
दोनों प्रकार की बैक्टीरिया पर कार्य करते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम निगेटिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसे जाना जाता है? स्टेनिंग हुआ करती बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव स्टेन पर अपना प्रभाव दिखा दे, उसके प्रभाव को पता चल जाए तो ग्राम पॉजिटिव अथवा ग्राम निगेटिव कहे जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? इसमें है ड्रग्स पेनिसिलिन, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन और सल्फर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन दोनों बैक्टीरिया पर कार्य करते हैं, वह टेट्रासाइक्लिक एम्पीसिलिन जेंटामाइसिन और केमोक्सिसिलिन। केमोक्सिसिलिन तो हमने देख लिया कार्य करने की क्रिया के आधार पर, इसको नोट कर लीजिए पहले। सेकंड है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक संरचना पर आधारित कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं। सर ग्राम पॉजिटिव में सबसे लास्ट में क्या लिखा है सर? थोड़ा सा बोर्ड में दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव में पेनिसिलिन, हाँ, वेसिट्रेशन, वेनामाइसिन, ठीक है, वेनामाइसिन, ओके सर।
नमक ज्यादा कर रहा तुमने। नमक ज्यादा कर लो, नमक ज्यादा कर लो तुमने। आओ नमक कम खाओ, नमक कम खाओ, नमक ज्यादा कर दिया है। अपने कारण कर लेना तुम कैसे व्यवस्था तुम्हारी कर रहा हूँ मैं। एक तो है बैक्टीरियोसाइडल, ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर दे, वो बैक्टीरियोसाइडल है। इन्हें में लिख लो सूक्ष्म जीवाणु नाशक। बैक्टीरियोस्टैटिक जीवाणु की ग्रोथ को रोक देना, ग्रोथ रोकने में कौन से हैं एंटीबायोटिक, तो लिख लो बैक्टीरियोसाइडल में है पेनिसिलिन, ट्राइमेट्रोपिन, इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक में है टेट्रासाइक्लिन, प्राइमेथोक्लिन इसमें भी आता है। स्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन, ट्राइमेथोक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड टाइप में है ऑप्टिकल पैर या बाहरी सरफेस पर लगा सकते हैं। टॉपिकल सल्फा सीटामाइन, ऑप्टिकल ये आई ड्रॉप के रूप में ड्रग्स बनती है। इन्हें गट एक्टिंग, गट एक्टिंग या एरिक बोलते हैं। ये है सल्फा सालाजी। सल्फा सालाजी सिस्टेमिक है सल्फाटाइड।
समय तक देने से मांसपेशियों में कमजोरी आती है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स
निकलने लगेंगे, या पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ जुड़ के फोलिक एसिड का निर्माण नहीं होने देते। सर एडवांस प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है सर, लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब एडवांस प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है, यह सिंथेटिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, एजेंट है, यह बैक्टीरियल स्टैटिक ड्रग, यह बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है। ट्रिपल सल्फा ड्रग, तीन सल्फा ड्रग एक साथ मिल जाते हैं, ट्रिपल सल्फा ड्रग जैसे सल्फा मीराजीन, सल्फा पिरिमिडिन, सल्फा पाइरिडीन और सल्फा डायाजीन। इसलिए इसको ट्रिपल सल्फा ड्रग कहते हैं। मैं याद हो तो मैंने एक ट्रिक बनाया था अपने समय, ठीक है, मेरा तो भगवान सुने होंगे, दूसरा उसके घर वाले सुने, पीर मतलब दर्द है ना, मीरा सबका शब्द डाल दो, मीरा मीरा हो गया, की पीर पायरेडीन, पायरेडीन को पीर हमने समझ लिया, और डाया में दो लोग ने ऐसे बना लिया था ट्रिक, आप चाहो तो आप भी बना लो, काम आएगा आपको परीक्षा में। आप नेक्स्ट है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और प्लांट फंगस जिससे ये पेनिसिलिन ऑब्टेंड हुआ है, देखिए इसे पेनिसिलियम एटम
फंगस से प्राप्त किया जाता है। नोट कर लीजिए, फिर क्लासिफिकेशन की बात करें। तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है, एक है बीटा लैक्टमेट सेंसिटिव, दूसरा है रेजिस्टेंट और तीसरा है सिफेलोस्पोरिक। दूसरा है बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट, तीसरा है सिफेलोस्पोरिक। इसमें बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव में तीन पार्ट है, तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। पहला है नैरो स्पेक्ट्रम, इसमें ड्रग्स आती है पेनिसिलिन जी एंड पी। दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऑक्सीसिलिन और एम्फीसिलिन। तीसरा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, इसमें आता है पिपरासिलिन एंड कार्सिलिन। वहीं पर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट की बात करें तो बायोसिंथेटिक ड्रग्स कौन सी है, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और मेथिसिलिन। तीसरा है सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन में भी पांच जनरेशन के ड्रग हैं,
स्कोरिंग में फर्स्ट जनरेशन जनरेशन की ब्रद है सेफा जोली सेफा लेग्जिम और सेफा पेट सेफा जोली सेफा लेग्जिम सेकेंड जनरेशन की है सेफोक्सिटीन और सेफ्टियोफाज जनरेशन एंटीबायोटिक सेफोटैक्सिम सेफोपायराजोन जनरेशन है टेप्टारोलिन सेफ्टारोलिन आजकल इसका मार्केट में अब ये दवाई आ गई है इसके अलावा सेप्टोपाइप्रोल आपको नजर आती है ठीक है बच्चों फिर आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं हम आपसे कल शाम को 6:30 बजे ठीक है इसको नोट कर लीजिए बोला तो बता दीजिएगा कुछ मैकेनिज्म के बारे में भी
के क्लाइंट समझेंगे, कई बार एग्जाम में वो आ जाता है। हो गया जी सर। ठीक है फिर, ओके बच्चों, बाय बाय, बताए, टेक केयर।